यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल बेसिक बैक स्टिच, बिल्कुल बेसिक बैक स्टिच जो हम एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करते हैं, और ये जितनी भी सारी हमारी लाइन्स हैं मैं सब पे बैक स्टिच यूज़ करूँगी। लीफ को फिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी साटन स्टिच, बेसिक स्टिच जो किसी भी चीज़ को फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं मतलब साटन स्टिच। तो जितने भी सारे लीव्स हैं हमारे सब पे मैं यूज़ करूँगी साटन स्टिच। मैं धागे को इन स्टिचेस के नीचे से निकाल रही हूँ ताकि हम इस स्टिच को स्टेम स्टिच का लुक दे सके, और इससे जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और भरी भरी लगे, इसलिए मैं ऐसे इस धागे को ऐसे स्टिचेस के अंदर से निकाल रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे ही इसको रख सकते हो। मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। इस स्टिच में धागा जितना पतला होता है उतनी ज़्यादा इसमें सुंदरता आती है स्टिच में, इससे एक और डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा लगता है लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच में। मैंने धागे की 3 स्टिच लिए हैं और मैंने उसको डबल किया है ताकि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि भाई एम्ब्रॉयडरी करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, काश के रियलिटी में इतनी ज़्यादा स्पीड होती हमारी एम्ब्रॉयडरी करने में, लेकिन एम्ब्रॉयडरी करने में इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है चीज़ों पे, इतना स्लो स्लो हर एक स्टिच का नीडल कहाँ से जा रही है कहाँ से निकल रही है, हर डिज़ाइन पे हमें फोकस करना होता है। मैं पूरा फ्लावर तो बना के आपको नहीं दिखा सकती, मैं बस अभी इसकी 3 ही पेटल्स बनाऊंगी, और सारी वीडियो में पूरे फ्लावर्स के पैटर्न्स में यही सेम डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है। और ये हमारा फ्लावर बनके रेडी है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा। और ये रहा मेरी मेहनत का फाइनल लुक। कमेंट करके जरूर बताना इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये है इसकी साइड का पार्ट, मैंने स्लीव्स पे और साइड्स पे